फैक्ट्री के गोदाम में लगी भीषण आग, शॉर्ट सर्किट से लगी आग, लाखों का हुआ नुकसान। अग्निशमन विभाग की टीम आग बुझाने में जुटी। थाना कोतवाली क्षेत्र के मंगला का ये मामला बताया जा रहा। बजनार से खबर, जहां पर प्लाईवुड फैक्ट्री के गोदाम में लगी भीषण आग, शॉर्ट सर्किट से लगी आग, लाखों का हुआ नुकसान। अग्निशमन विभाग की टीम आग बुझाने में जुटी। थाना कोतवाली क्षेत्र के मंगला का ये मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर आपको बिजनौर से बता रहे हैं, जहां पर प्लाईवुड फैक्ट्री के गोदाम में भीषण आग लग गई। आपको बता दें कि शॉर्ट सर्किट आग लगने का कारण बताया जा रहा है। लाखों रुपए के नुकसान की भी सूचना है। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही। थाना कोतवाली क्षेत्र के मंगला का यह मामला बिजनौर से खबर, प्लाईवुड फैक्ट्री के गोदाउन में लगी आग। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जहीर अहमद फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जहीर, आपसे जानना चाहेंगे, बिजनौर में प्लाईवुड गोदाउन में आग लग गई है, क्या कुछ जानकारी है? लग रहा जहीर से संपर्क नहीं हो पा रहा, उन्हें फिर से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। शॉर्ट सर्किट से आपको बता दें कि आग लगने की वजह बताई जा रही है। अग्निशमन विभाग की टीम आग बुझाने में जुटी। थाना कोतवाली क्षेत्र के मंगला का ये मामला बताया जा रहा है। बजनौर से खबर, प्लाईवुड फैक्ट्री के गोदाउन में लगी आग, शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है आग लगने की वजह, लाखों रुपए का नुकसान हुआ। थाना कोतवाली क्षेत्र के मंगला का ये मामला बताया जा रहा है। बजनौर से खबर और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जहीर हमारे साथ फोन लाइन पर एक बार फिर जुड़ चुके हैं। जहीर, प्लाईवुड गोडाउन, प्लाईवुड कंपनी के गोडाउन में आग लगी है, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, बिजनौर के नगीना रोड पर एक मंगला प्लाईवुड फैक्ट्री है, उसके गोदाम में अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। मौके पर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां पहुंच गई हैं और आग बुझाने के प्रयास किए जा रहे हैं। फिलहाल ये बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है, कितना नुकसान हुआ है यह आग बुझने के बाद ही पता चल पाएगा। जी जहीर, के किसी जनहानि की कोई सूचना, क्या उस वक्त गोडाउन में कोई मौजूद था जब आग लगी? अब बिल्कुल, देखिए गोदाम में तो लोग मौजूद नहीं थे, लेकिन गोदाम के आसपास फैक्ट्री का भी इलाका है, वहाँ पर लोग काफी मौजूद थे। अभी तक जनहानि की कोई सूचना नहीं है ये सामने निकल कर। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि फायर ब्रिगेड टीम और पुलिस की टीम मौके पर है और जो है आग बुझाने के प्रयास किए जा रहे हैं। जैसे ही अपडेट होगा कर दिया जाएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। जहीर, थाना कोतवाली क्षेत्र के मंगला का मामला, जहाँ पर प्लाईवुड फैक्ट्री और किसी का प्लाईवुड के गोडाउन में भीषण आग लगी है, शॉर्ट सर्किट से लगी आग, लाखों का नुकसान बताया जा रहा है। हालांकि अभी भी फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद है। खबर मुरादाबाद से है, जहां पर कटघर थाना